ढेर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मास्टरमाइंड विकास दुबे मारा गया है। बताया जा रहा है कि कानपुर टोल नाके से 25 किलोमीटर दूर विकास दुबे को ला रही कार पलट गई। इस दौरान विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भाग निकला। उसे सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन विकास दुबे ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई है। पिस्टल छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, विकास दुबे घायल पुलिसकर्मी का पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने कई बार उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को सीने और कमर में गोली लगी। गाड़ी पलटने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे। प्रत्यक्षदर्शी ने सुनी फायरिंग की आवाज। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि हमने फायरिंग की आवाज सुनी थी, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हमने गोली की आवाज सुनी, इसके बाद पुलिस ने हमें भगाने की कोशिश की, हम वहां से हट गए। हम लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी थी।